हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए पेपर टू का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आप झारखंड के कला संस्कृति को देखेंगे, झारखंड का इतिहास देखने को मिलेगा, भूमि संबंधी कानून जिसमें कि CNT और SPT एक्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, उससे संबंधित प्रश्न भी हम आपको इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये जो वीडियो है बेसिकली संस्थान में जो मॉक टेस्ट लिया जा रहा है उसी पर आधारित है। इसके पहले भी जो GS पेपर 1 से संबंधित प्रश्न थे मैंने आपके सामने रखने का काम किया था, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। प्रश्न के साथ हम उसका एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, उससे संबंधित जरूरी बातें भी बताते हैं जो आपकी तैयारी को एक बड़ा आयाम देता है। आप उन ऑप्शंस को देख करके भी नए क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं और मेरा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से भी यही है और पूर्व के जो वीडियो मैंने बना करके आपके लिए आप तक पहुंचाने का काम किया है उसमें भी मैंने कुछ ऐसा ही काम किया है। तो आप पीछे की वीडियो को भी देखिए और झारखंड से जुड़े हुए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए। इसमें हम आपको पूरा 100 क्वेश्चन नहीं देने जा रहे हैं, अगले वीडियो में भी इसका कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ हम मैक्सिमम क्वेश्चन को रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत बोझिल नहीं हो, आपको वीडियो देखने में बहुत वक्त न गंवाना पड़े, इन बातों का ध्यान में रखते हुए हम पूरे 100 क्वेश्चन को अलग अलग खंडों में आप तक लेकर के आने का काम करेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि CNT से भी आपको क्वेश्चन देखेंगे, लैंड से जुड़े हुए जो झारखंड सरकार के कानून हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न मिलेंगे और बाकी जो अलग अलग इसके डायमेंशंस हैं उससे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने का काम शुरू करते हैं। आप वीडियो को सिर्फ देखिए नहीं, देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करने का काम कीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को देखने का काम। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस नागवंशी राजा ने खोखरा या खोखरा को अपनी राजधानी बनाई थी? जगन्नाथ शाह, जगन्नाथ शाह की जो राजधानी थी वो थी पालकोट। यदुनाथ शाह, इनकी राजधानी भी पालकोट थी। भीमकर्ण इस सवाल का सही जवाब है, इन्होंने ही खोखरा को अपनी राजधानी बनाई थी, जबकि उदयनाथ शाह के समय में नागवंशियों की राजधानी रातुगढ़ थी और ये नागवंशियों की अंतिम राजधानी भी थी। नंबर दो, 6 अक्टूबर 2016 को निम्न में से कौन सी नीति झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? औद्योगिक पार्क नीति, ये 2015 में आई थी। निर्यात नीति, ये भी 2015 में आई थी। फिल्म नीति, ये भी 2015 में आई थी। तो तीन एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये तीनों ही इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी और फिल्म पॉलिसी, ये 2015 का है, इसलिए इसका सही उत्तर है स्टार्टअप नीति, जो 6 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ की गई थी। नंबर थर्ड, मांझी शासन व्यवस्था में शिकार परिषद की संस्था कौन सी थी? लोबीर सेंद्रा, ये लोबीर सेंद्रा जो था ये मांझी शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती थी, तो सेंद्रा वेंसी इसका सही उत्तर है। बी इसका सही उत्तर है, ए और बी का आप कोई मतलब बनता नहीं है। सी में इरातील का संबंध बेसिकली हो जनजाति से है और हो जनजाति में जब वर और जो कन्या होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं, इस व्यवस्था को ही इरातिल कहते हैं। तो ये इरातिल शब्द हो जनजाति से संबंधित है, जहां वर और कन्या एक दूसरे के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं। और तीन का सही उत्तर है सेंद्रा बेंसी, लोबीर सेंद्रा। मैं फिर दोहरा दूं कि ये मांझी शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती थी। देखिए झारखंड के इन सब क्वेश्चन को सिवाय आपको याद करने के कुछ नहीं करना होगा, आपको रटना है, यहां पर किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इसलिए याद करते चलिए। नंबर फोर, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में दिवरी कौन होता था? ऑप्शन ए को देखिए, गांव के प्रधान, मुंडा के निर्णय एवं आदेशों को लोगों तक पहुंचाने वाला, यह काम डाकुआ करता था। तो ए इसका सही उत्तर नहीं है, बल्कि ए के लिए डाकुआ होगा टर्म। बी, गांव का धार्मिक प्रधान, ये इस सवाल का सही जवाब है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में दिवरी गांव का धार्मिक प्रधान होता था और बाकी सी और डी का यहां कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो ऑप्शन को पूरा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें।
परहिया जनजाति में जाति गोठ क्या है? परहिया जनजाति में जाति गोठ क्या है? तो जाति गोठ है गांव का जाति पंचायत, विलेज कास्ट पंचायत परहिया जनजाति में जाति गोठ कहलाती है। ग्राम पंचायत का मुखिया यहाँ महत्व होता है और बाकी ऑप्शन का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है। नंबर 6, उरांव जनजाति में कृषि कार्यों में एक दूसरे को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन देख लीजिए, फागु सेंद्रा, विशु सेंद्रा, ऑप्शन ए और बी। ये दोनों क्या है? बेसिकली अलग अलग अवसरों पर जो शिकार किया जाता था उसके लिए इस्तेमाल होने वाला ये शब्द है। फागु सेंद्रा और विशु सेंद्रा मतलब कि अलग अलग अवसरों पर किया जाने वाला शिकार। और इस सवाल का जहां पर उरांव जनजाति में कृषि कार्य में एक दूसरे की सहायता की जाती है उसको बोलते हैं पसरी व्यवस्था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नंबर 7, झारखंड की कौन सी जनजाति मुख्य रूप से यह मानती है कि गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए छोड़ देना चाहिए? गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए छोड़ देना चाहिए मतलब गाय का दूध वो व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ऐसी मान्यता सामान्य तौर पे या मुख्य रूप से मुंडा जनजाति की है। ये जो प्रश्न है ये वी वीरोत्तम की पुस्तक से ली गई है। नंबर 8, निम्न में से कौन सा विद्वान यह कहता है कि पाटलिपुत्र से सुदूर दक्षिण में मोनेडेस और सुआरी कहे जाने वाले लोग रहते थे? प्लीनी इस सवाल का सही जवाब है। प्लीनी ही यह कहता है कि पाटलिपुत्र से सुदूर दक्षिण में मोनेडेस मुंडा जनजाति के लिए इस्तेमाल हुआ है और सुआरी सबर जनजाति के लिए। यह भी याद रखिए कि मोनेडेस मुंडा के लिए और सुआरी सबर जनजाति के लिए प्लीनी इस्तेमाल कर रहा है। टोलेमी जो है वो सबर जनजाति के लिए सूत्रराई का इस्तेमाल करता है, सूत्रराई, और मुडाला मुंडा के लिए टोलेमी, जिनका की पुस्तक है ज्योग्राफी, उसमें उन्होंने सूत्रराई सबर के लिए और मुडाला मुंडा के लिए इस्तेमाल किया है। ह्वेनसांग इन्होंने इस क्षेत्र को किलोना सुकलाना कहा था या कर्ण सुवर्ण कहा था, जबकि फाहियान ने कुकुड लाड कहा था। तो इसका सही उत्तर है ए। नंबर 9, निम्न में से किसने छोटा नागपुर को नागभूम नाम से संबोधित किया है? नागभूम नाम से संबोधित किया है। ऑप्शन को देख लीजिए, श्री कृष्ण राजगुप्त। सबसे पहले ये जान लीजिए कि श्री कृष्ण राजगुप्त जो थे ये रांची से प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार पत्र रांची एक्सप्रेस से संबंधित थे, और श्री कृष्ण राजगुप्त ने कहा है कि भूम शब्द जो है ये पहाड़ी संस्कृति का परिचायक है। भूम जो नागभूम मानभूम इस तरह का जो भूम शब्द लगा होता है वो पहाड़ी संस्कृति का परिचायक बताया है श्री कृष्णदास गुप्त ने। केशवदास इस सवाल का जवाब है। नागभूम नाम से छोटा नागपुर को केशवदास ने ही अपनी पुस्तक रसिक मंगल में संबोधित किया है। तो आंसर इसका है बी, केशवदास। अमरनाथ दास इनके विषय में जान ले कि इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उसका नाम है इंडिया टू जम्बू आइलैंड। और अपनी इस पुस्तक में अमरनाथ दास ने कहा है कि झारखंड का संबंध बुद्ध और महावीर से है, जबकि शरद चंद्र राय, आगे हम बताएंगे, आप सब जानते हैं कि मुंडा जनजाति पर इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, द मुंडाज। नंबर 10, झारखंड प्रदेश में किसके आगमन के पश्चात राजतंत्र मतलब मोनार्कियल सिस्टम की शुरुआत हुई? सही उत्तर है नागवंशी, ठीक है, और बाकी यहां पर इस प्रश्न से जुड़ा हुआ कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको हम बता सकें। तो सही उत्तर है 10 का सी। नंबर 11, कौन यह बताता है कि कर्मा पर्व के लहुसा गीतों पर वैष्णव मत का स्पष्ट प्रभाव था? पहले तो ये जान लीजिए कि जनजातीय समाज पर वैष्णव मत का प्रभाव पड़ा था चैतन्य महाप्रभु के झारखंड आगमन के कारण, ठीक है। तो वैष्णव मत का स्पष्ट प्रभाव पड़ा था ये बात कौन बताता है? ये बात बताते हैं शरद चंद्र रॉय अपनी पुस्तक द मुंडाज में। एनसी चौधरी इनका एक किताब का नाम लिख लीजिए, मुंडा सोशल स्ट्रक्चर। साहित्य और साहित्यकार में ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। एनसी चौधरी, मुंडा सोशल स्ट्रक्चर। एवी शरण इनका जो पुस्तक है उसका नाम है ट्राइबल स्टडीज, और एलपी विद्यार्थी, कल्चरल कंटूर्स ऑफ ट्राइबल बिहार ये एलपी विद्यार्थी का रचना है, उनकी
कृति है। नंबर 12, 1931 के जनगणना के समय किन स्थानों के महतो जाति महतो ने अपने लिए आदिवासी नहीं लिखवाया था? सही उत्तर है इसका रांची और मानभूम, मतलब ऑप्शन बी, और यहां भी कुछ बताने को इस प्रश्न के अनुसार नहीं है। नंबर 13, नागवंशी शासन व्यवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर किस ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया था? आंसर है अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, जो लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम में आया था 1793 में। ठीक है, बाकी महलवाड़ी, रेतवाड़ी और मिला हुआ, ये सब इतिहास का पार्ट है, इसको हम यहां एक्सप्लेन करने नहीं जा रहे हैं। फिलहाल इसका आंसर ए। नंबर 14, पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान क्या कहलाता है? पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान डंडिया कहलाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नंबर 15, घुमंतू जनजातियों में जो कृषि कार्य भी करते हैं क्या कहलाते हैं? घुमंतू नोमैडिक जनजातियों में जो कृषि कार्य भी करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं जांगी, मतलब ऑप्शन बी। बाकी को जान लीजिए, कुरवा, कुरवा क्या है? तो ये घुमंतू कृषि जनजाति की खेती को कहते हैं, कुरवा जो है ये घुमंतू कृषि जनजाति की खेती को कहते हैं। टंडा इन जनजातियों का जो अस्थाई टेम्पररी जो बस्ती होती है उसको टंडा कहते हैं, जबकि करिया का मतलब हुआ कि घुमंतू जो जनजातियां हैं वे लोग जो घुटने तक ढकने वाला कपड़ा प्रयोग करते हैं या जो कपड़ा पहनते हैं घुटनों तक, उसको ही करिया कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आप झारखंड की संस्कृति से देख रहे हैं। नंबर 16, तेलंगा खड़िया की पुण्यतिथि किस दिन है जिसे शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सीधा आंसर जानते हैं इसका, सीधा आंसर है इसका 23 अप्रैल, मतलब कि ऑप्शन डी। 23 अप्रैल का बड़ा महत्व है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे अगर हम लोग 23 अप्रैल को याद करें तो इसी दिन विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, इसी दिन राष्ट्रीय पिकनिक दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को, राष्ट्रीय पिकनिक दिवस इसी दिन मनाया जाता है। इसके अलावा पंडित रमाबाई का जन्म भी 23 अप्रैल को ही हुआ था 1858 में। पंडित रमाबाई का जन्म भी 23 अप्रैल को है। अगर आप सिपाही विद्रोह से इस तारीख को जोड़ के देखें तो 23 अप्रैल 1858 को ही बाबू कुंवर सिंह ने अपने जो पैतृक निवास था, जो पैतृक गांव था जगदीशपुर, उसको हासिल किया था और 23 अप्रैल को उन्होंने ली ग्रांड को हराया था और फिर तीन दिनों के बाद ही उनकी पैतृकावास पर ही मृत्यु भी हो गई थी। तो खैर, तेलंगा खड़िया की पुण्यतिथि 23 अप्रैल। नंबर 17, भारत की कुल तांबा का झारखंड में कितना भंडार है? ये झारखंड सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उस पर आधारित क्वेश्चन है, वहीं से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, इसलिए बहुत रिलायबल है। आंसर है इसका 18.5%। तो तांबा का भंडार जो है वो 18.5% है। झारखंड में 29% कोयला है, भारत के कुल कोयला भंडार का 29%। पहले ये 27 point something माना जाता था, अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके हिसाब से 29% 22-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार। सी 26% आयरन ओर का भंडार है झारखंड में, और भारत के कुल खनिज भंडार का 40% ऑलमोस्ट झारखंड में विद्यमान है। नंबर 18, झारखंड में आयरन अयस्क जो कि हेमेटाइट से संबंधित है का कितना भंडार है? यह भी उसी इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया क्वेश्चन है, इसलिए यह भी बहुत ही रिलायबल है, बहुत ऑथेंटिक है। 29,00,000 टन इतना रिजर्व है, आरक्षित भंडार है। इस सवाल का कि झारखंड में आयरन अयस्क का कितना भंडार है, ये 53,00,000 टन के लगभग में है। अगर एग्जैक्ट फिगर में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5286417, मतलब लगभग 53,00,000 टन जो है वो आयरन अयस्क का भंडार है हेमेटाइट क्वालिटी का या हेमेटाइट ओर का। 24,00,000 टन इतना बॉक्साइट है। अगर आप फिगर में पूरा चाहें तो 239061 ये बॉक्साइट का भंडार है, जबकि 11,000 टन ये मैग्नेटाइट आयरन ओर का भंडार है।
11,000 मतलब 10667। चलिए ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। 19, झारखंड राज्य में सिंचाई हेतु निकाले जाने वाले वार्षिक भूजल का अधिकतम प्रतिशत लगभग कितना है, ये भी उसी सर्वे से है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आमतौर पर विद्यार्थियों को यहां से क्वेश्चन ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने कोशिश किया है कि कुछ महत्वपूर्ण चीज आप तक पहुंचाया जा सके। सही उत्तर है इसका 52% इसका सही उत्तर है। अब ऑप्शन बी को देखें, 36.20, ये घरेलू उपयोग के लिए इस्तेमाल किया गया है भूजल का। 11.78 ये औद्योगिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ए बी और सी तीनों ही आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का जवाब ए 52 ऑप्शन रखा गया है आपको इंफॉर्मेशन देने के उद्देश्य से ही। 36.20% ये घरेलू उपयोग के लिए भूजल का इस्तेमाल हुआ है और 11.78 औद्योगिक उपयोग के लिए। नंबर 20, झारखंड के किस जिले में 50 मेगावाट का सोलर पावर परियोजना प्रारंभ किया गया है जो देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है। सही उत्तर है गुड्डा ऑप्शन बी। और यहां यह भी जान लीजिए कि 2020 तक झारखंड के लिए 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था सोलर पावर परियोजना के तहत। तो गुड्डा इसका सही उत्तर है। नंबर 21, झारखंड सरकार की अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत वर एवं वधु को, वह लिखा गया से पूरा छूट चुका है, वर एवं वधु को 25,000 रुपया देने का प्रावधान है, यह भुगतान उन्हें किस रूप में दिया जाता है। यह भुगतान उनको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के तौर पर दिया जाता है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, मतलब ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नंबर 22, सिद्धू कान्हू आवास योजना के लिए गांव के चयन एवं लाभार्थी के लिए कौन सी शर्तें नहीं है, मतलब सही कौन सा शर्त नहीं है। ऑप्शन ए को देखिए, चयनित गांव में परिवारों की संख्या 100 से कम ना हो तथा जनसंख्या 400 से कम ना हो, ये ही इस सवाल का जवाब है क्योंकि ये शर्त नहीं है। शर्त यह है कि 50 परिवार होने चाहिए और उनकी आबादी 200 होनी चाहिए। यहां 100 और 400 लिखा हुआ है, बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको काम आएगा कि लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या गांव में 50% से कम नहीं होनी चाहिए और लाभुकों के लिए यह सुनिश्चित होना चाहिए कि पहले उन्हें किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया हो। एक चीज और कि सिद्धू कानू आवास योजना के तहत आवास के निर्माण के लिए 45,000 रुपया दिए जाने का प्रावधान है और लाभार्थी को स्वयं ही अपने आवास का निर्माण कराना होता है। नंबर 23, झारखंड सरकार की वन नीति के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। ऑप्शन ए को देखिए, वनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्राम सभा के ऊपर होगी, ये इस सवाल का सही जवाब है क्योंकि वनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वन विभाग और ग्रामीणों के ऊपर है। ग्राम सभा उसमें सही है लेकिन वन विभाग भी उसके साथ जुड़ा हुआ है जो आपके ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। बाकी आपके लिए फ्री इंफॉर्मेशन का काम करेगा कि राज्य में 200 वन समितियों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगी जिसमें प्रत्येक परिवार का एक सदस्य शामिल होगा और ग्रामवासियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर वृक्ष लगाए जाएंगे। नंबर 24, सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत सिलाई मशीन के लिए सरकारी सहायता किस उम्र की महिला श्रमिकों को दिया जाएगा। सही आंसर है इसका 35 से लेकर के 60 वर्ष। इसमें और कुछ बताने को नहीं है। नेक्स्ट 25, जंगली जानवरों द्वारा यदि पक्का मकान ढलाईयुक्त को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया जाएगा। सबसे पहले सही उत्तर जान लीजिए कि ढलाईयुक्त पक्का मकान को अगर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया जाएगा तो राज्य सरकार 15,000 का मुआवजा देगी। इस सवाल का सही जवाब, अब देखिए, 7,500 ये तब मिलेगा जब कच्चा मकान को क्षतिग्रस्त किया गया हो, 5,000 जब साधारण रूप से क्षतिग्रस्त किया गया हो और 10,000 तब दिया जाएगा जब पक्का मकान हो लेकिन बिना ढलाई का। तो चारों ऑप्शन से इस संदर्भ में आपको प्रश्न नजर आ रहे हैं।
26 सकरी नदी को किस स्रोत में सुमागधि भी कहा गया है या सुमागधि कहा गया है? तो सही उत्तर है इसका रामायण। आगे आएगा सीएनटी, घबराइए नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जगह पर वो आएगा। 1765 के इलाहाबाद संधि के पश्चात, आप सबको पता होगा कि इतिहास में इलाहाबाद की संधि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 12 अगस्त और 16 अगस्त को किया गया, शाह आलम के साथ जो मुगल बादशाह थे और फिर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, ठीक है। और इस इलाहाबाद के संधि के बाद ही बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश सरकार को मिली थी, और इसी अधिनियम के बाद झारखंड में भी, मतलब चूंकि वो बिहार का ही पार्ट था उस दौरान, इसलिए अंग्रेजों को झारखंड में प्रवेश का मौका मिला था, और झारखंड 1767 में प्रवेश भी किए थे। खैर, ये इस क्वेश्चन से अलग बातें हैं। तो 1765 के इलाहाबाद संधि के पश्चात बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश सरकार को मिली, झारखंड उस समय का कंबाइंड बिहार का राजस्व 1799 तक किसको भुगतान किया जाता था? सही उत्तर है चतरा के कलेक्टर को, चतरा के कलेक्टर को। 28 अंग्रेजों द्वारा विभिन्न कानून के माध्यम से या कानूनों के माध्यम से प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था, इसी संदर्भ में 4 जून 1809 को थाना व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसके तहत नियंत्रण किसको सौंपा गया था, मतलब कि 4 जून 1809 को जो थाना व्यवस्था लागू की गई उसके तहत नियंत्रण किसके हाथ में था? तो ये नियंत्रण था रामगढ़ मजिस्ट्रेट के हाथ में, ऑप्शन ए। चलिए, यहां से आपको सीएनटी देखने को मिल रहा है। सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के प्रावधान के अनुसार बंजर भूमि का बंदोबस्तीकरण राज्य सरकार पट्टे द्वारा करेगी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा, समझ सकते हैं आप कि बंजर भूमि का बंदोबस्तीकरण कौन करेगा? तो राज्य सरकार। कैसे करेगी? तो पट्टे के द्वारा। और इसकी दो प्रतियां किसको प्रसिद्ध की जाएगी? तो पट्टा तैयार किया जाएगा बंदोबस्तीकरण के बाद, और दो कॉपी इसको अलग अलग लोगों को दी जाएगी। तो किसको किसको दी जाएगी? एक कॉपी दी जाएगी रैयत को और एक कॉपी उपायुक्त को। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। ये जो बंदोबस्तीकरण से संबंधित जो व्यवस्था है, इसका प्रावधान सीएनटी एक्ट के अध्याय 9A में है, चैप्टर 9A में है, और सेक्शन या धारा 63A इससे संबंधित है। इन चीजों को भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि 6 JPSC 7 JPSC में धारा से भी पूछा गया था सवाल। हालांकि अभी जो बैकलॉग का एग्जाम हुआ वहां पर धारा पर आधारित प्रश्न नहीं था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आगे नहीं पूछे जाएंगे। फिलहाल 29 का आंसर है बी। नंबर 30 सीएनटी एक्ट 1908 के अनुसार यदि लगान का रूपांतरण किया गया है, लगान का रूपांतरण मतलब कि काइंड टू कैश, मतलब पहले वस्तु में दिया जा रहा हो और अब नगद में देने का प्रावधान किया गया हो, तो सीएनटी एक्ट 1908 के अनुसार यदि लगान का रूपांतरण किया गया है तो वहां लगान कितने वर्षों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है? वहां लगान नहीं बढ़ाया जा सकता है, धारा 62 में इसका प्रावधान है, बढ़ाया या घटाया नहीं जाएगा 15 वर्षों तक, ठीक है, 15 वर्षों तक। एक बार फिर से दोहरा दें कि धारा 62 में इस बात का प्रावधान है कि 15 वर्षों तक जहां इस तरह का लगान का जो रूपांतरण किया गया है वहां पर 15 वर्षों तक लगान की मात्रा को न बढ़ाई जा सकती है, नहीं घटाई जा सकती है। जबकि धारा 61 में उपायुक्त को यह अधिकार दिया गया है कि वो लगान के भुगतान के रूप को बदल सके, मतलब उनके आदेश से ये बदला जा सकता है और 15 वर्षों तक ये अपरिवर्तित रहेगा। नंबर 31 सीएनटी एक्ट 1908 के अनुसार यदि राज्य सरकार भूस्वामी एवं काश्तकार के बीच जल के उपयोग और बहाव के संदर्भ में विवाद पाती है या इसकी संभावना हो तो इसका समाधान निकालने के लिए किसे निर्देशित करेगी? तो किसको निर्देशित किया जाएगा? यह काम किया जाएगा राजस्व अधिकारी के माध्यम से, मतलब ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 32 सीएनटी एक्ट 1908 के संबंध में क्या सही नहीं है? उम्मीद है आप सब लोग इसका जवाब जानते होंगे। इसमें कुल 19 अध्याय और 273 धाराएं हैं, ये गलत है। 273 नहीं बल्कि 271 धाराएं हैं। आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन जल्दबाजी में गलती होते हैं, अदरवाइज आप सबको पता होगा कि इसमें 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं हैं।
बाकी बातें आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, तो वहां बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ए, क्योंकि यह सही नहीं है। 33 सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत अपनी भूमि का अभ्यर्पण मतलब सरेंडर करने से 4 माह पूर्व इसकी सूचना भू स्वामी को देगा। क्वेश्चन को घुमा दीजिए कि अभ्यर्पण से कितना पहले उसको इसकी सूचना देनी होगी, तो 4 माह पहले। अभ्यर्पण करने से 4 माह पहले किसको सूचना देनी होगी, तो भू स्वामी को देनी होगी। अब प्रश्न पर आ जाइए, तो इसका सही उत्तर है 72। और 71 में इस बात का प्रावधान है कि अगर काश्तकार को भूमि से बेदखल कर दिया गया है तो उसको यह अधिकार होगा कि बेदखली के 1 वर्ष के अंदर उपायुक्त को वह इस संदर्भ में आवेदन दे सकता है। अगर उसको बेदखल किया गया है तो बेदखली की तारीख से 1 वर्ष के अंदर वो उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। जबकि 61 में लगान का रूपांतरण हो सकता है काइंड टू कैश, मैंने अभी बताया उपायुक्त के आदेश से हो सकता है। और 62 में है कि लगान का अगर रूपांतरण किया गया है तो 15 वर्षों तक न लगान की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। तो ये सीएनटी से जुड़ा हुआ 5 प्रश्न आपने देखा जो पेपर 2 में 5 पूछेगा। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। खड़िया समाज के किस पूजा में सरना स्थल पर दूध के उबाल एवं उसके गिरने की दिशा के आधार पर वर्षा की भविष्यवाणी प्रधान पुजारी कालो द्वारा की जाती है, तो खड़िया समाज का पुजारी कौन? कालो। ठीक है, अब इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है ए, पाटो सरना। इसी दौरान यह प्रक्रिया पूरी की जाती है और कालो जो है वो भविष्यवाणी करता है वर्षा का। जाडकोर पूजा, जाडकोर पूजा जो है ये बेसिकली मनुष्य और पालतू जानवरों के रक्षा के लिए किया जाता है और यह भी खड़िया समाज से संबंधित ही पूजा है। और इस पूजा ने या पूजा के बाद जो मुख्य पुजारी है कालो, उसको समाज के जो युवा लोग हैं उनको अपने कंधे पर बिठा करके और घर घर घुमाने का काम करते हैं। और ये जो कालो प्रधान पुजारी होता है वो महुआ और साल का फूल लोगों को प्रसाद के तौर पर देता है। जबकि सुरजाही पूजा ये अगहन माह में होता है और सफेद मुर्गे की बलि इसमें दी जाती है, हड़िया का तपान किया जाता है और सुरजाही पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। सरना पूजा का जिक्र आगे कहीं करेंगे। नंबर 35, झारखंड में लगने वाले मेलों, आमतौर पर आदिवासी मेलों को जत्रा कहा जाता है, इसलिए ब्रैकेट में जत्रा लिखा हुआ है। मेलों का स्वरूप मुख्य रूप से कौन सा है? अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे, लेकिन चूंकि लिखा हुआ मुख्य रूप से इनका स्वरूप क्या होता है, तो मुख्य रूप से इनका समाज सोशल और कल्चरल होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो सही उत्तर है सी। चलिए, इस वीडियो में 35 क्वेश्चन ही हम लोग रखते हैं। अगला वीडियो में आपको झारखंड से जुड़ा हुआ और भी कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें इतिहास भी होगा, भूगोल भी होगा, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट भी होगा, लोक साहित्य साहित्यकार भी होगा और भी जो आपके सिलेबस में प्रश्न पूछने का आधार दिया हुआ है वहां से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने के बाद हम यहीं पर इसको रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग SPT और बाकी चीजों को देखने का काम करेंगे। धन्यवाद।